भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा जफर इस्लाम ने अकाली दल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वो घर के रहे न घाट के। दरअसल वो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में अकाली दल की भूमिका पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन में अकाली दल की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पंजाब में इनकी और बिचौलियों की इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पर वो लोग प्रदेश की कांग्रेस सरकार से भी स्ट्रांग है। वो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर बैठकर राजनीति करने से उनका कुछ फायदा होने वाला है। एक कहावत है, न वो घर के रहे न घाट के। आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कल तक वो कुछ और कहते थे। जिस समय किसान बिल बन रहा था, सब उनकी देखरेख में बना है। वो लोग किसान आंदोलन के नाम पर एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में धरने पर बैठे किसान संगठनों का अकाली दल का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है और उनके द्वारा किसान बिल का समर्थन करना सब रिकॉर्ड में है। आने वाले समय में पंजाब की जनता ही उन्हें जवाब देगी। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्याओं पर बोलते हुए कहा कि वहां पर ममता सरकार के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके हत्याएं कर रहे हैं। जफर इस्लाम ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि शायद देश का इकलौता राज्य है जहां पर राजनीति हत्याओं के दौर चल रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री खुद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करा रही है। इस तरह के माहौल के बाद पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है इस बार वहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दरअसल राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा राजनीति के चलते अपने कार्यकर्ताओं की खुद हत्या करा रही है। जफर इस्लाम आज मुरादाबाद में भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक के बाद प्रेस से बात कर रहे थे। लेकिन किसान भाई बहनों की जो जायज ऑब्जर्वेशन है, जो जायज डिमांड है, जो चीज वो करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार के रिप्रेजेंटेटिव दो बड़े मिनिस्टर, कृषि मंत्री और पीयूष गोयल जी दोनों बात कर रहे हैं। चर्चा बहुत अच्छी रही है, 4 तारीख को फिर से चर्चा होगी। मेरा सवाल ये था कि इस आंदोलन को क्या अकाली दल लीड कर रहा है? मेरा सवाल ये है कि देखिए, अकाली दल भी एक इसमें मुख्य भूमिका बहुत बड़ा, इसलिए कि पंजाब में बिचौलियों की बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है। ये पीएमसी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, सरकार से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो समझते हैं कि यहाँ पर राजनीति करने से उनका फायदा हो, लेकिन यकीन मानिए अकाली दल बोलते हैं ना घर के रहे ना घाट के, वैसी बात है। इसलिए कि सब लोग को पता है कि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, कल तक वो कुछ और ही बात कर रहे थे। तो वो वहाँ पर वो एक भूमिका निभाने की कोशिश करें, लेकिन उनको किसी तरह से किसान आंदोलन के में जो बैठे किसान संगठन है उनका कोई समर्थन अकाली दल को प्राप्त नहीं है। वो अपनी जो गलतफहमियों जो उनको फैलाई गई हैं उनसे थोड़ा उनमें रोष था, लेकिन अब जैसे भारत चर्चा हो रही खत्म हो जाएगा। और अकाली दल जैसी पार्टियां जो अभी सिर्फ राजनीतिक कारण जिसको सपोर्ट किया था, उनके स्टेटमेंट है, उनके इंटरव्यू है, आज राजनीतिक कारणों की वजह से वो हमारे सरकार से बाहर निकल के राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आता है, पंजाब में समझ में आता है उनको, इसका पंजाब की जनता ही जो है उसका जवाब है। जो जितने भी लोग हैं उससे लाभान्वित हुए, और साथ साथ जो भी समस्याएं हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उस समस्याओं को उसका सही से समझ के उसका समाधान निकालने की कोशिश करें, ताकि आम नागरिक उसको जो विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री पे, और जो विकास के हमने नारा दिया वो विकास भी हो, और जो उनके साथ उनको जो विश्वास है उस विश्वास को ध्यान रखते हुए हम उनके विश्वास को फिर से जीतें। इसलिए उसकी कोशिश और विश्वास बना रहे, उसकी कोशिश के हम बराबर करते रहे, और उसी तरह से हो सकते हैं जहाँ हम उनके लिए कुछ काम करके उनके समस्याओं का समाधान निकालते रहेंगे। तो आज जो है ये पहली बैठक हमारी रही है। आज हम अपने यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं, सबसे हम चर्चा कर रहे हैं। आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम उन लोगों से मिलेंगे, उनसे समझेंगे कि यहाँ पर की समस्या क्या है, समाधान क्या है, क्या क्या लोग, आज हम अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है मुझे कि यहाँ पर जो जो जिन जिन चीज़ों की कमियाँ हैं, और जो उनके ऐसा लगता है कि यहाँ के निवासी होने के कारण उनको लगता है कि यहाँ पर वो सब चीज़ें होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों को का हमने संज्ञान लिया है। और अब यहाँ के प्रशासन से ही बात करेंगे, यहाँ जो दिल्ली में सरकार है हमारी और प्रदेश में जो सरकार है, तो उनके दोनों सरकारों के बीच में बहुत बड़ा समन्वय है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर कहीं पर कमी रह गई है तो उसको वहाँ तक पहुँचाने का भी काम करूँगा। और यहाँ पर जो विकास होना चाहिए, विकास में कोई कमी अगर हो रही है, किसी वजह से अड़चने आ रही हैं, किसी वजह से रुकावट आ रहा है, तो उसको भी उसका भी जो है समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इसलिए कि हमारे सरकार का लक्ष्य है कि विकास होना चाहिए, हम तेज़ी से विकास हर जगह कर रहे हैं और लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए हम
जितने भी वेलफेयर स्कीम है उसको धरातल को उतारने का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई कमियाँ रह गई, वैसे तो लाभान्वित लोग बहुत हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो उसको दूर करने का काम हम सब एक कलेक्टिवली पूरे जो मुरादाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम है वो एक टीम होकर काम करेंगे। इसी लक्ष्य यहाँ पर आया हूँ और पहली मीटिंग हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, यहाँ के बड़े जितने लीडर्स हैं उनके बैठक की, ये जो पूरी बैठक हुई है उसके अध्यक्षता जो है वो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जो है चौहान साहब उनके अगुवाई में की गई है मीटिंग, और आगे जो मीटिंग भी होगी उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जो है सबसे आगे इनके अगुवाई में यहाँ पर काम होता रहेगा। तो बस आज के जो सिंपल एजेंडा था कि लोगों से परिचित होना और अपने सरकार की जो नीति है और जो नियत है उसको ज़मीन तक पूरे तौर से पहुँचाने का काम हम सब मिलकर करेंगे, ताकि यहाँ के जो निवासी हैं उनमें जो भी उनकी जो चाहत है वो पूरा करने में और जो जेन्युइन चाहत है उसको पूरा करने में हम कामयाब हैं। इसी कोशिश के साथ हम यहाँ पर आए और मुझे लगता है के प्रशासन के साथ जब मिलेंगे तो हमको और भी ज़्यादा जानकारियाँ होंगी और उस जानकारियों को ध्यान में रखते हुए आगे इस पर जो है उसका समाधान निकालेंगे, उस पर काम करेंगे। सांसद जी, कल मुख्यमंत्री से मुझे काम करेंगे ताकि उनकी खुशनुदी से उनकी खुशहाली के लिए काम करें। मेरा पश्चिम बंगाल को लेकर के एक सवाल है सर, आज के दिन में क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं इसीलिए आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, लगातार वहाँ पे जिस तरह से भाजपा नेता और टीएमसी के बीच में टकराव तो आ रहा है, लगातार भाजपा नेताओं पर हमला हो रहा है, चुनाव का दौर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है जिस तरह से भाजपा नेताओं के ऊपर वहाँ पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, शायद एक ही स्टेट है या केरला दूसरा स्टेट है जहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ही करा रहे हैं, और पॉलिटिकल वायलेंस को वो जो है स्टेट का जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो स्टेट का ऑब्जेक्टिव बन के रह गया, जहाँ पर उनके ही गूंज उनके ही गुंडे पूरे समर्थन के साथ, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुख्यमंत्री के इशारे पर और उनके निगरानी के साथ उनके इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में वहाँ की जनता ने मन बना लिया है, जनता का विश्वास हम प्राप्त कर चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार हम नहीं जनता उखाड़ती है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि जो जितने भी हमले हो रहे हैं भाजपा ही अपनी तरफ से करा रही है, लोगों का आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित। देखिए, अगर ऐसा होता प्रदेश की उनकी सरकार है, स्टेट लॉ मशीनरी उनके हाथ में है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा करता तो अब तक वो पकड़ के आपके सामने रख देती, लेकिन भाषणबाजी कर रहे हैं। हकीकत है कि वो सब उन्हीं के गुंज है, और किसको नहीं मालूम है कि टीएमसी में इतने गुंडे और लोग हैं जिनको, और उनको स्टेट का पूरा पूरा प्रोत्साहन भी है और सपोर्ट भी है। ठीक, थैंक यू सर। तो मैं